Hello kids, today I am going to tell you a story about the hen. The story's name is The Little Hen Bakes the Bread. In this story, children, in the farmhouse there are six animals. The characters of the story are little hen, dog, horse, cat, cow and sheep. Bachcho, इस फार्म हाउस पे ये छह एनिमल्स थे. सीन वन में क्या होता है एट द फार्म हाउस. हैन टू द डॉग. फ्रेंड लुक आई हैव फाउंड सम सीड्स ऑफ वीट. कि मुझे कुछ गेहूं के बीज मिले हैं. सीड्स माने बीज. हैन कहती है दोस्त मुझे कुछ सीड्स मिले हैं वीट के. डॉग व्हाई आर यू सो एक्साइटेड. तुम इतनी एक्साइटेड क्यों हो. हैन वेल वी विल प्लांट दीज सीड्स इन द सॉइल. हम इन सीड्स को मिट्टी में लगाएंगे. सॉइल माने मिट्टी. आफ्टर सम डेज दे विल टर्न इन टू प्लांट्स. कुछ समय बाद वो पौधे बन जाएंगे. वी कैन कलेक्ट द ग्रेन्स. ग्रेन्स माने अनाज. हम अनाज इकट्ठा करेंगे टू मेक फ्लावर. फ्लावर माने आटा. We can bake many loaves using the flour. Dog, that's a great idea. Cat, yes, all of us love bread. हम सबको bread बहुत पसंद है. I like it dipped in my milk. मुझे दूध में भिगोकर पसंद है. Horse, I like to eat the crispy sides. मुझे इसकी crispy माने करारी चीजें पसंद है. करारा वाला हिस्सा पसंद है. Cow, I like to eat the white portion. मुझे इसका white portion पसंद है. Sheep, when will the loaves be ready? कब ये जो bread के pieces हैं तैयार हो जाएंगे. Hen, we will have to wait for some time. हमें कुछ time इंतजार करना पड़ेगा. First, we need to dig the soil. Dig माने खोदना. Soil माने मिट्टी. पहले हमें मिट्टी खोदनी पड़ेगी. Then plant the seeds. उसके बाद बीज लगाने पड़ेंगे. एंड वाटर देम एवरी डे. फिर रोज पानी देना पड़ेगा. नेक्स्ट पेज चिल्ड्रन कम क्लोजर. हॉर्स दैट्स ए लॉट ऑफ वर्क. ये तो बहुत सारा काम है. आई एम सॉरी हैन. आई हैव टू टेक माई मास्टर फॉर ए राइड. मुझे तो अपने मास्टर को राइड पे ले जाना है. यू कैरी ऑन. हॉर्स तो हैन को मना कर देता है कि मुझे तो बहुत सारा काम है और ये तो बहुत सारा काम है. मुझे तो अपने मास्टर को राइड पे ले जाना है तो तुम जाओ. कैट व्हाई डोंट यू स्टार्ट द वर्क. बिल्ली क्या कहती है कि तुम क्यों नहीं शुरू करती काम. आई विल ज्वाइन यू लेटर. मैं बाद में आऊँगी. शीप आई हैव स्प्रेन्ड माई हूफ. स्प्रेन्ड होता है बच्चों मोच. हूफ माने होता है खुर. शीप कहता है कि मेरे खुर में मोच आ गई है. प्लीज़ एक्सक्यूज मी. मुझे माफ़ करो. डॉग प्लीज़ एक्सक्यूज मी. मुझे माफ़ करो. मुझे भी माफ़ करो. आई हैव टू गार्ड द हाउस. गार्ड नहीं रखवाली करना. मुझे हाउस की रखवाली करनी है. तो काओ क्या कहती है. आई हैव टू पुट माई काफ टू स्लीप. मुझे अपने बेबी को काफ को सुलाना है. आई एम सॉरी. आई वॉन्ट बी एबल टू हेल्प यू. मैं तुम्हारी मदद नहीं कर पाऊँगी. देखो कोई भी जो है एनिमल हैन की हेल्प नहीं करता है. तो हैन क्या कहती है. साई आई गेस आई विल हैव टू डू ऑल द वर्क माई सेल्फ. लगता है सारा काम मुझे ही करना पड़ेगा. ये देखो हैन को सारा काम अकेले ही करना पड़ता है. बीज लगाने पड़ते हैं. पौधों में पानी लगाना पड़ता है ना. चलो देखो हैन क्या क्या काम करती है. कम क्लोजर. फॉर द नेक्स्ट फ्यू डेज कुछ दिन बाद ए लिटिल हैन वर्कड. द लिटिल हैन वर्कड हार्ड. लिटिल हैन जो है वो बहुत काम करती है. विदाउट एनी हेल्प फ्रॉम हर फ्रेंड्स. बिना अपने फ्रेंड्स की सहायता के. शी डग द सॉइल. मिट्टी खोदती है. सोड द सीड्स. बीज लगाती है. वाटर देम. पानी लगाती है. एंड लुक्ड आफ्टर द प्लांट्स. प्लांट्स की देखभाल करती है. सून द एंटायर फील्ड वॉज फुल ऑफ हेल्दी वीट प्लांट्स. कुछ टाइम बाद जो होता है एंटायर माने पूरी फील्ड जमीन हेल्दी माने स्वस्थ वीट प्लांट्स गेहूं के पौधों से भर जाती है.
द लिटिल हैन हार्वेस्टेड द क्रॉप. हार्वेस्टेड होता है इकट्ठा करना. लिटिल हैन है वो सारी क्रॉप को इकट्ठा करती है. टुक द ग्रेन्स टू द मिल. मिल में लेके जाती है. मेड फ्लावर एंड केम बैक. आटा बनाती है और वापस आती है. टू द फार्म हाउस पे. टू बेक द ब्रेड. ब्रेड बनाने के लिए. शी बेक्ड मैनी लोव्स ऑफ ब्रेड. बहुत सारे ब्रेड के पीस बनाती है. द स्मेल ऑफ फ्रेशली बेक्ड ब्रेड सून रीच्ड हर फ्रेंड्स. जो खुशबू होती है ताजी ब्रेड की उसके दोस्तों तक पहुंच जाती है. नाउ सी द नेक्स्ट पेज. वी विल कम टू क्लोजर. सीन टू. डॉग. जब ब्रेड बन गई बच्चों तो क्या होता है, सब सारे एनिमल्स आ जाते हैं हैन के पास. डॉग भी आ जाता है. डॉग क्या कहता है, हेलो माय डियर फ्रेंड. ओ मेरी दोस्त हैन. हाउ हैव यू बीन. तुम कैसी हो. इट सीम्स यू हैव मेड सम फ्रेश ब्रेड. ऐसा लगता है तुमने फ्रेश ब्रेड बनाई है. आई वुड लाइक टू शेयर इट विद यू. मैं तुम्हारे साथ इसे शेयर करना चाहूँगा. और फिर बच्चों कैट भी आ जाती है. कैट, यस आई वुड लाइक टू हैव माइन डिप्ड इन माई मिल्क. मुझे भी अपनी वाली चाहिए दूध में भीगी हुई. हॉर्स. तब हॉर्स भी आ जाता है. प्लीज़ सेव द क्रिस्पी साइड्स फॉर मी. मेरे लिए तो करारी वाली बचा के रखना. काओ. गाय क्या कहती है, एंड द वाइट पोर्शन फॉर मी. और मेरे लिए वाइट वाला पोर्शन. शीप. आई एम रेडी विद माई प्लेट. और मैं तो अपनी प्लेट के साथ तैयार हूँ. ब्रिंग इट आउट. लेकर आओ. सारे एनिमल्स देखो जो ब्रेड तैयार हुई तो आ जाते हैं. तो हैन को गुस्सा आ जाता है. तो हैन क्या कहती है बच्चों, हैन नो नन ऑफ यू हेल्प मी टू डिग द सॉइल. तुम में से किसी ने मेरी मिट्टी खोदने में सहायता नहीं की. डिग माने खोदना, सॉइल माने मिट्टी. प्लांट द सीड्स. पौधे लगाने हैं. वाटर द प्लांट्स. पौधों में पानी लगाने में. हार्वेस्ट द क्रॉप्स. क्रॉप्स को इकट्ठा करने में. टेक दैम टू द मिल. उन्हें मिल तक ले जाने में. मेक द फ्लावर. आटा बनाने में. और बेक द ब्रेड. और ब्रेड बनाने में. आई विल नॉट शेयर द ब्रेड विद यू. मैं तुम्हारे साथ शेयर नहीं करूँगी ब्रेड. तो क्या कहती है कैट. कैट कहती है बट यू कांट ईट ऑल द लोव्स अलोन. लेकिन तुम सारे ब्रेड के पीस अकेले थोड़ी ना खा सकती हो. लेट अस हेल्प यू नाउ. अब तो बिल्ली हेल्प करने आ जाती है, खाने के लिए हेल्प करने. तो हैन क्या कहती है, हैन एब्सोल्युटली नॉट. बिल्कुल नहीं. आई विल ईट दीज लोव्स विद माई चिक्स. मैं अपने चिक्स के साथ खाऊंगी. डजंट दैट साउंड लाइक अ फेयर डील. तुमको ये सही नहीं लगता है. देखो हैन अब अपने जो एनिमल्स को नहीं देती क्योंकि वो उसकी हेल्प नहीं करते. और हैन जो है वो ब्रेड को अपने चिक्स के साथ एंजॉय करती है. देखो हैन जो है वो सब ब्रेड लेके जाके सारे लोव्स को अपने चिक्स के साथ एंजॉय करती है. 1 2 3 देखो उसके चिक्स हैं. अब बच्चों आप भी अपने पेरेंट्स की सबकी हेल्प किया करो, तभी तो आपको अपना शेयर मिलेगा ना अच्छे से. ओके.